वेलकम ऑल ऑफ फ्रेंड्स इन दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं पॉकेट डोजीमीटर क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन TLD बैच, फिल्म बैच, OSL डोजीमीटर और पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस या पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है ये अपन देख चुके हैं। तो अब अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं या अपन नॉलेज लेने वाले हैं पॉकेट डोजीमीटर। पॉकेट डोजीमीटर कैन डिटेक्ट एक्सरे एंड गामा रे नेम्ड एज दे आर कॉमनली वर्न इन द पॉकेट। पॉकेट डोजीमीटर का नाम पॉकेट डोजीमीटर कैसे पड़ा या कैसे रखा गया, तो ये एक पैन की तरह होता है जो कि पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं, तो उसी को लेके इसका नाम पॉकेट डोजीमीटर रख दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉकेट डोजीमीटर ये इंपॉर्टेंट है। द डिटेक्टर आर फिल्ड विद गैस, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप विद टू इलेक्ट्रोड। पॉकेट डोजीमीटर होता है वो गैस से भरा हुआ होता है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पहला है कैथोड होता है। द आउटर सिट मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, बी एनोड, मतलब ए हो गया कैथोड, दूसरा हो गया एनोड। सेंट्रल वायर विच इज इंसुलेटिंग फ्रॉम द आउटर शेथ। रेडिएशन प्रोड्यूस्ड आयोनाइजेशन इन गैस रिजल्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेडिएशन है वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है और आयोनाइजेशन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो जैसे ही डोजीमीटर होता है अपना वो रेडिएशन के सामने एक्सपोज होता है तो उसमें आयंस बन जाते हैं पॉजिटिव, कुछ आयंस पॉजिटिव कुछ आयंस नेगेटिव। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ड्रिफ्ट टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स रिस्पेक्टिवली ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो रिस्पेक्टिवली अपने अपने साइड्स ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में एक वोल्टेज अप्लाई होता है अप्लाइड वोल्टेज की वजह से। इन एन आउटर सर्किट द करंट इज मेजर्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। आउटर सर्किट के अंदर करंट है वो मेजर किया जाता है। करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है कि कितने नंबर ऑफ आयन पेयर है वो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं पर सेकेंड। दीज डोजीमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट शुड बी नोटेड, मीन्स ये पॉइंट आप एग्जाम में जरूर लिख के आए। दीज डोजीमीटर शुड बी फुली चार्ज प्रायर टू देयर यूज सो दैट द इनिशियल रीडिंग ऑफ द डोजीमीटर इज सेट एट जीरो आयन आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द डिटेक्टर वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पॉकेट डोजीमीटर यूज़ करें उससे पहले वो फुल चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फुल चार्ज होगा तभी वो एक्यूरेट या एक्यूरेट जो रीडिंग है वो शो करेगा। मीन्स ये है कि आपको पॉकेट डोजीमीटर यूज़ करने से पहले उसको फुल्ली चार्ज करना जरूरी है, कंपलसरी है, और रीडिंग सही रहने के लिए जरूरी भी है। टाइप्स, पॉकेट डोजीमीटर्स के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स ऑफ पॉकेट आयोनाइजेशन चैम्बर एग्जिस्ट। दो टाइप होते हैं पॉकेट डोजीमीटर के। एक होता है सेल्फ रीडिंग विच कंटेन ए बिल्ट इन इलेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर इनबिल्ट इलेक्ट्रोमीटर होता है तो उसके हेल्प से जो है वो आपको रेडिएशन के अमाउंट या जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है आयोनाइजेशन से उसके अमाउंट दिखाता है। दूसरा है द नॉन सेल्फ रीडिंग टाइप विच रिक्वायर ए स्पेशल एसेसरी इलेक्ट्रोमीटर टू रीड द डिवाइस। और जो एक्यूरेसी होती है पॉकेट डोजीमीटर की वो ±10% होती है। एडवांटेजेस क्या है? स्मॉल होता है, इसको आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि पॉकेट डोजीमीटर इज स्मॉल, कॉम्पैक्ट होता है, ईजी टू कैरी होता है, ईजी टू कैरी एंड यूज रीजनेबली एक्यूरेट एंड सेंसिटिव होता है। इट कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसर दैट लास्ट ए शॉर्ट टाइम इमीडिएट एक्सपोजर रीड आउट। इसका मेन एडवांटेजेस क्या है? मेन एडवांटेजेस है कि पॉकेट डोजीमीटर के अंदर बजर होता है कि जब आप एक लिमिटेड अमाउंट को क्रॉस करते हैं रेडिएशन की, एब्जॉर्ब रेडिएशन की, तो उसके बाद में वो बजर है या एक आप स्पीकर जैसा बोल सकते हैं, छोटा स्पीकर बजर, तो वो साउंड करने लग जाता है। पॉकेट डोजीमीटर के अंदर प्रॉपर डिस्प्ले होती है, एक जो एडवांस पॉकेट डोजीमीटर है उसके ऊपर डिस्प्ले होती है जिसके अंदर आप रीडिंग को रीड आउट कर सकते हैं और वो करंट एक्टिव टाइम रीडिंग्स होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल। रीडिंग मे बी लॉस्ट इफ नॉट केयरफुली रिकॉर्डेड। अगर सही ढंग से रीडिंग्स नहीं ली गई है तो अपनी रीडिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। डोजीमीटर मस्ट बी कैलिब्रेटेड टू जीरो और इट्स इनिशियल रीडिंग मस्ट बी नोटेड ईच डे इट इज़ यूज्ड। मतलब उसकी या तो उसकी इनिशियल रीडिंग है वो जीरो होनी चाहिए और यह उसकी रीडिंग है वो डेली जब आप उसको यूज़ करने लगें तो उससे पहले आपको उसकी जो रीडिंग है वो कहीं पे नोट कर लेनी चाहिए। मैकेनिकल शॉक कैन फॉल्स हाई रीडिंग।
मतलब अगर जैसे पॉकेट डोसीमीटर गिरता है तो उसकी रीडिंग लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपोजर रिसीव्ड इन ए बॉडी एरिया वेयर वोन, इनिशियल कॉस्ट इज ग्रेटर देन फिल्म बैच सर्विस, मतलब थोड़ा सा हाईली महंगा भी होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मेन एडवांटेजेस क्या है, कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू यूज़ होता है, इजी टू कैरी होता है, बजर होता है, डिस्प्ले होती है जिसकी वजह से आप हैंड टू हैंड आपकी जो रिकॉर्डिंग या आपकी जो रीडिंग्स है वो देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये इसमें ह्यूमिडिटी का भी फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो गैस है वो हीट हो नहीं हो उस पर डिपेंड करता है। और इसको केयरफुली आपको हैंग करना पड़ता है, ये पॉकेट के अंदर केयरफुली आपको इसको ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये गिर गया तो ये आपको रिकॉर्ड नहीं दे पाएगा। तो ये थी अपनी पूरी वीडियो, और ये आपको दिखाया गया है कि जो पॉकेट डोसीमीटर होता है वो ऊपर से कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं इसके द पॉकेट आयनाइजेशन, आप नीचे वाला पढ़ भी सकते हैं, अगर पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो आपको दिखाया गया है ये पॉकेट डोसीमीटर का क्वार्ट्ज फाइबर इंडिकेटर, उस पर आपको दिखाया गया है, और इसके अंदर आपको एक मीटर दिखाया गया है 0 से लेके 200 तक, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग या कितना रेडिएशन आपने अब्जॉर्ब किया है, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पॉकेट डोसीमीटर, व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन आयन पेयर आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर, जब रेडिएशन के अंदर एक्सपोज किया जाता है, दीज आयन पेयर आर पार्शियली न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसिंग द कोलम्बिंग रिपल्सन एंड अलोइंग द फैब्रिक मूव, हैंस द क्वार्ट्ज फाइबर मूव क्लोजर टू द वायर फ्रेम दैट कैन बी सीन एज डाउन रेंज एक्सक्रेशन ऑफ द हेयर लाइन फाइबर ऑन द एक्सपोजर स्केल, द मूवमेंट ऑफ द क्वार्ट्ज फाइबर इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर, मूवमेंट ऑफ क्वार्ट्ज फाइबर के ऊपर जो मूवमेंट है वो रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज़्यादा क्वार्ट्ज फाइबर के ऊपर मूवमेंट उतना ही ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर। और ये किसके अंदर मेजर किया जाता है, रोंटजिन के अंदर मेजर किया जाता है। ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जो आप डायग्राम बना के आ सकते हैं एग्जाम में, अगर आपके 5 नंबर से ऊपर का अगर क्वेश्चन आता है तो, जिसके अंदर आपको आई पीस दिखाया गया है जहाँ से आपको स्केल दिखेगा जिस पे आपको रोंटजिन के अंदर जो आपको है रेडिएशन एब्जॉर्ब रेडिएशन वो दिखाया जाएगा। क्वार्ट फाइबर वायर एलिमेंट स्पोर्टिंग इंसुलेटर कैप विद विंडो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोस्कोप इसके अंदर सब आपको दिखाया गया है। गामा और एक्सरे आयोनाइजेशन कैसे कैसे इसके अंदर वर्किंग होती है ये दिखाया गया आपको। तो ये थी अपनी पूरी फ्रेंड्स वीडियो जिसके अंदर अपन ने पॉकेट डोसीमीटर को देखा, उसके बारे में जाना, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, और हमने इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर TLD बैच देख लिया, OSL डोसीमीटर देख लिया, और सभी पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो है वो अपन ने देख लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।